रहे हैं। यहाँ पर कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी लोग यहाँ पर जमा हैं और इस आरती में अपनी आस्था के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और आने वाले जो दिनों में दो तीन जो बचे हैं उसमें जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा, पूजन होगा, उसको लेकर के लोगों में उत्साह है और लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। और खास तौर पर यदि हम बात करें जो अयोध्या के लोग हैं, स्थानीय जो निवासी हैं, उनके अंदर एक उमंग है, एक उत्साह है, एक आस्था जो है वो हिलोरे ले रही है। और यदि हम बात करें बाहर से आने वाले जो कुछ लोग हैं उनको हालांकि बाहर से रोका जा रहा है और कल या परसों में अयोध्या जो है उसकी सीमाएं सील भी हो जाएंगी, लेकिन लोग जो है वो आना चाहते हैं। कोरोना का काल है, बड़े सीमित लोगों को आने का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो अयोध्या है उसमें आस्था का जो एक समंदर है वो आपको हिलोरे लेता हुआ दिखाई देगा और लगता है जैसे कोई एक बड़े कुंभ की तैयारी होती है, इसी तरह की तैयारियां अयोध्या में आपको दिखाई देंगी। और मनप्रीत, इस वक्त हम सरयू नदी के तट पर खड़े हैं, वही सरयू नदी जिसका रामायण में अक्सर जिक्र मिलता है। एक झलक हम आपको सरयू नदी की भी दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हालांकि अंधेरा हो चुका है लेकिन कितने प्रवाह के साथ सरयू नदी इस वक्त यहां पर प्रवाहमान है, जो कि बहुत तीव्र प्रवाह के साथ यहां सरयू नदी इस वक्त चल रही है। और सरयू नदी की ही ये आरती, गंगा आरती के तर्ज पर सरयू नदी की आरती की एक परंपरा शुरू हुई है अयोध्या में और उसी के निमित्त लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं। हालांकि प्रशासन की हिदायतें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर जमा होते हैं। और आप एक नज़ारा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त अयोध्या में सरयू नदी के तट पर जमा हैं और लोग आस्था के वशीभूत होकर अयोध्या पहुँचे हैं और पूरा एक विहंगम नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और एक आरती का जो यहाँ पर एक आध्यात्मिक नज़ारा यहाँ पर जो एक जुटा है, जो घड़ियालों की शंखों की जो आवाज़ यहाँ पर है जिसने इस तरह से एक आध्यात्मिकता से सराबोर किया है सरयू नदी के तट को, तो ये अपने आप में अनुपम है। और आने वाले जो दो दिन है उनमें ये उत्साह और ये उत्सव जो है वो पूरे लबोलुआब पर होगा, पूरे शबाब पर होगा और अयोध्या को सजाने का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में और वो जो ऐतिहासिक जो क्षण हैं जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा और भूमि पूजन होगा उसको लेकर के यहाँ पर इस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं जैसे कुंभ की तैयारियाँ होती हैं। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, जिस तरह से भगवान रामचंद्र वनवास से लौटे थे कभी एक उत्साह उस वक्त रहा होगा, उसी तरह का उत्साह अयोध्या नगरी में एक बार फिर हजारों लाखों साल बाद एक बार फिर वो उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि सदियों के बाद एक ऐसा अवसर आ रहा है जिसकी इंतजार थी, जिसकी लंबे समय से एक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में जो निर्णय निकल कर के आया उसके सम्मान स्वरूप अब भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, उसको लेकर के बहुत ही एक अनुपम नज़ारा यहाँ पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल, कितना कितने कह सकते हैं कि एक बड़े त्यौहार तो यह घट नहीं है और ये जो वेला है कह सकते हैं कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से हूँ एक वड्डा राम मंदिर जो बनने जा रहा है 5 अगस्त और खास तौर पर जिस हिसाब के नाल एक पासे चाहे कोरोना काल है पर कितना किते कोरोना ते श्रद्धालुओं की जो है चौण वाले की कह सकते हैं कि आस्था भारू पै रही है और खास तौर पर खूबसूरत नज़ारा असं देख रहे हैं सरयू नदी पर जिस हिसाब के नाल लोग इकट्ठे हुए ने ते ए गवाह ने कि किन्ना इंतजार जो है किया गया उस तो बाद जो खूबसूरत फैसला जो है आया और खास तौर पर जिस तरह यह नज़ारा असं देख पा रहे थी कह सकते हैं कि एक अलौकिक नज़ारा और नाल ही अपने आप दे विच राम भूमि दी जो ओ छो है उसनू भी दर्शाउंदा राजेश जी। बिल्कुल मनप्रीत, ये एक अलौकिक नज़ारा है जिस तरह से अयोध्या की हम कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, जो तस्वीरें बिल्कुल रंगीन हैं और जो प्राचीनता है अयोध्या की, जो मौलिकता है वो उस रोशनी के अंदर और भी ज़्यादा अनुपम दिखाई देती है। आज भी अयोध्या के जो मंदिर हैं वो प्राचीनता को समेटे हुए हैं, इतिहास को समेटे हुए हैं और लंबे समय से सदियों का जो इतिहास रहा है, चाहे वो राम मंदिर की प्रतीक्षा में कितनी ही पीढ़ियाँ खप गई हैं, वो लोग जो इंतजार करके चले गए हैं, जिन्होंने लंबे संघर्ष किए हैं, आज कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक सुकून की, उनकी आत्मा के लिए एक सुकून की घड़ी होगी कि उनका एक सपना साकार होने जा रहा है जिसमें बड़े बड़े संत थे जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया,
और अयोध्या जो है वो एक अब केंद्र बना हुआ है इस वक्त आकर्षण का, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, दुनिया के तमाम देशों में रह रहे भारतवंशियों का और जो लोग अयोध्या से परिचित हैं उन सब लोगों की निगाहें अयोध्या के ऊपर टिकी हुई हैं कि आखिर 5 तारीख को एक इतिहास अयोध्या में रचा जाएगा। इसलिए सभी की एक आकर्षण है अयोध्या नगरी, जो एक प्राचीन नगरी है, जो कभी त्रेता काल में भगवान रामचंद्र का जब काल रहा है, जब यहाँ पर एक अलग परंपरा जो है यहाँ पर कायम हुई थी, तो वो तमाम चीजें आज एक बार फिर लोगों के जहन में ताजा हैं। रामायण को एक बार फिर से लोगों के जहन में वो ताजा हो रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो निर्माण कला की गल की जाए तो सब तो ज्यादा वधिया नज़ारा और खूबसूरत स्वर्ण मंदिर होएगा, और जो गल की जाए तो समुचे देश के विच तीजा सब तो वड्डा मंदिर भी कह सकते हैं राजेश जी। और खास तौर पर जिस हिसाब के नाल लंबे अरसे तो अरदासा हो रही सन, श्रद्धालु जो ने वह मांग कर रहे सन, हूँ एक उमंग जो है वह देखने मिल रही है, उम्मीद भी जाकी है। और खास तौर पर जो है कह सकते हैं कि नींह पत्थर का काम जो है वह भी कल तो शायद शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मनप्रीत के मंदिर निर्माण के लिए बहुत कई दशकों से तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए शिलाएं तराशी जा रही हैं, नक्शे बाकायदा बन गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, सिर्फ अदालती निर्णय का एक इंतजार था किस तरह से एक सहमति बन पाए। वो तमाम चीज़ें जो तमाम अड़चने हैं वो दूर हो चुकी हैं और उसके बाद अब वो समय आया है जब 5 तारीख को भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, तो उसके लिए तमाम तैयारियाँ कर ली गई हैं। और ये भव्य मंदिर होगा, इसको वास्तु के हिसाब से और भगवान श्री रामचंद्र के जो उनका पूजा का विधान है उसके हिसाब से मंडप को तैयार किया गया है, गर्भगृह बनाया गया है, तोरण द्वार बनेंगे, तमाम चीजें बनेंगी और वास्तु के लिहाज से भी एक बिल्कुल बिल्कुल कितना कितने कह सकते हैं कि 120 एकड़ जमीन दे विच ये फैलेगा मंदिर। और खास तौर पर जे गल की जाए पूरी दुनिया दे विच तीजा जो है कह सकते हैं कि वड्डा राम मंदिर जो है बनन जा रहा है, जो कि अपने आप दे विच एक माण महसूस भी हुंदा है क्योंकि देशवासी होने के नाते भी और खास तौर पर राम भगत होने के नाते तो लाजमी तौर पर कह सकते हैं कि अपने आप दे विच एक अनुभव जो है वह देखने को मिलता है कि अंदरों एक खुशी हुंदी है जाहिर तौर पर जी। बिल्कुल, ये एक खुशी का लम्हा है क्योंकि जिस तरह से भव्य राम मंदिर निर्माण की एक लंबे समय से इंतजार थी भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि में, किस तरह से एक मंदिर बने और जो रामलला हैं वो इस वक्त लंबे समय से जैसे अदालती जो कुछ दिक्कतें थी उसकी वजह से वो टेंट में विराजमान थे, तो उनके लिए एक फाइबर का मंदिर भी अभी तैयार किया गया है और उसके बाद जो है भगवान की जो विशाल जो प्रतिमा होगी वो तमाम चीज़ें साज सज्जा के साथ एक भव्य मंदिर बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस मंदिर को लेकर के जो देश में एक वैमनस्य की आशंका जताई जा रही थी वो आशंकाएं खत्म हुई हैं, एक सर्वमान्यता के साथ उस निर्णय का सबने सम्मान किया है, जो मुद्दई थे उन लोगों ने भी सम्मान किया है, तो इस लिहाज से शांतिपूर्वक स्थिति से ये मंदिर जो बनने जा रहा है वो सबसे बड़ी, वो हिंदुस्तान की जीत है, वो भारत के सांप्रदायिक सौहार्द की जीत है, वो आपसी भाईचारे की जीत है और इसी का प्रतीक होगा ये मंदिर, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक लम्हा चल रहा है। जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों करतारपुर कॉरिडोर खुला, जब देश का बंटवारा हुआ उस समय से लेकर के जो सिख मतावलंबी थे उन सब लोगों की अरदास में वो शामिल था कि हम गुरु घर के दर्शन कर पाएं, तो करतारपुर कॉरिडोर खुला, एक सपना साकार हुआ। उसी तरह से भव्य राम मंदिर बनेगा, एक सपना साकार होगा। तो ये जो काल चल रहा है ये धार्मिक दृष्टि से सपने साकार होने का काल है, इससे असंख्य लोगों की जो बिल्कुल धार्मिक राजेश जी समा इजाजत नहीं दे रहे, हालांकि ये तस्वीरां जो खूबसूरत नजारा सी देख पा रहे हैं अपने आप दे विच एक आनंद भई है। और फिर तोड़े नाल जुड़ांगे, पर उथे जे गल कीती जावे श्री राम जन्म भूमि अयोध्या दे विच खास तौर ते 5 तारीख तो जो है कह सकते हैं कि नींह पत्थर रखा जाना, तो हर किसी नूं इस खूबसूरत लम्हे दी उडीक है। बहरहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही, मेरे दो इजाजत है, वेखदे रहो लिविंग इंडिया।